ने विधायकों को जो धमकी देने का मामला था उसमें बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी एसटीएफ की तरफ से और जिसमें कुछ बड़े खुलासे इस मामले में किए गए हैं। हरियाणा एसटीएफ की अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई है, पाकिस्तान से जनरेट नंबरों से जो विधायकों को धमकी आ रही थी वो साफ हो चुका है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान और कई और देश ऐसे हैं जहां से कि है। और ये एसटीएफ की तरफ से साफ किया गया है कि बेहद ही संवेदनशील मामला था। पूरे विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि सबसे पहले मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जब उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई, सख्ती से उनसे सारे राज खुलवाए गए तो फिर 4 और आरोपियों को भी आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने विधायकों को धमकी देने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा एसटीएफ आईजी सतीश बालन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इन आरोपियों को पकड़ा गया है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 34 मोबाइल फोन, 57 सिम कार्ड, 73 एटीएम कार्ड भी बरामद किए, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन मोबाइल नंबर पाकिस्तान के मिले हैं। तो बड़ी बात है ये कि पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन सामने आ गया है। कुछ सिम कार्ड आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट कंट्री के हैं, वो भी इनमें मिले हैं। तो सीधे तौर पर ये कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। 6 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लोगों को पता था कि ये केस जो मोबाइल नंबर्स है, जो जहाँ से फोन आए हैं वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे और कॉल्स जो जनरेट हुए थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। सो जो तफ्तीश जो है उसका ज़रूर यह पता था कि इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस होंगे, इनके फुट प्रिंट्स है वो ज़रूर विदेश में, पाकिस्तान में मिल सकता है, ये सबको पता था। ये 2 जो लड़के हैं जो बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर जिले के हैं, इनको पहले हमने डिटेन किया है। इनके पूछताछ पे और इनके मोबाइलों पे, बैंक अकाउंट पे जो क्लूज मिले हैं उसके आधार पे हम पहुँचे बिहार पे और हमारे पहले से 5 टीम गठित की गई थी, जो है लोकेट कर रखा था हमने। सो इमीडिएटली हमारा टीम विद इन 2-3 आवर्स एक मुजफ्फरपुर पहुंच गए। अगेन बिहार पुलिस से संपर्क की गई थी और बिहार एसटीएफ से संपर्क की गई थी, उन्होंने बड़े प्रोएक्टिवली हमारे कोऑपरेशन किया है और उन्होंने इन मुजरिमों के पीछा किया है। उन्होंने फिर 4 लोगों को वहाँ से हमारे टीम पहुंची, उनके साथ मिलके 4 लोगों को वहां से हमने डिटेन किया, पूछताछ करते हुए यहां ले आए हैं। तो सतीश राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं, हमारे संवाददाता। सतीश, वाकई में एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से एसटीएफ ने विधायकों को जो धमकी भरे मामले में और रंगदारी मांगने मामले में जो गिरफ्तार इन आरोपियों को किया है, कड़ी मशक्कत के बाद इनको गिरफ्तार किया है और मुंबई और बिहार से इनको गिरफ्तार किया गया है, तो बिल्कुल इसे एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को 4 दिन के अंदर 4 विधायकों को धमकी मिली और रंगदारी मांगने के मामले सामने आए, तो इसे लेके निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक तरीका से हड़कंप मचा और गृह मंत्री से लेके डीजीपी तक इस मामले को इन्होंने संज्ञान में लिया और एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी और एसटीएफ ने भी इसमें 5 टीमें गठित की और 5 टीमें गठित करने के बाद इसमें आईपीएस और एसटीएफ अधिकारी जो इसमें लगाए गए एसटीएफ अधिकारी है, यानी कि और उसके बाद इन्होंने जो जांच आगे की और शुरुआती जांच में 15 दिन के बाद 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया मुंबई से, उसके बाद उन्होंने जो खुलासा किया उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और काफी जो सिम कार्ड मोबाइल और उनसे बरामद किए गए हैं, तो बिल्कुल यानी कि पाकिस्तान से बैठ के और या पाकिस्तानी नंबरों से, आउट ऑफ कंट्री के नंबरों से इंडिया में जो धमकी देते थे विधायकों को, तो वास्तव में इसे एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। बिल्कुल सतीश, एक बात और यहाँ पर, 2 लोगों को पहले जब 2 आरोपियों को मुंबई से पकड़ा गया तो उनसे जब खुलासे हुए तो ये 4 और हत्थे में आए। अब आपको क्या लगता है कि जब ये 6 लोग टोटल, इनसे जब पूछताछ होगी सख्ती के साथ, तब क्या लगता है कि कुछ और खुलासे आ जाएंगे सामने? जी बिल्कुल, देखिए अगर एसटीएफ चीफ की माने तो इसमें कई अहम बड़े खुलासे होने का अनुमान है और ये एक बड़ा नेटवर्क है। जिस तरीका से अभी तक की जो पुलिस पूछताछ में सामने बातें आई है,
करीब 10 लोग पाकिस्तान में इनके वहां पे इनसे संपर्क में है जो कि कॉल करते थे, और जिस तरीके से इनके पास से जो कॉल सिम कार्ड बरामद की गई है वो 1.5 दर्जन के करीब जो सिम कार्ड है वो पाकिस्तान के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इस कंट्री के बरामद किए गए हैं, तो बिल्कुल इसमें बड़े खुलासे होंगे और एक बड़ा गिरोह निकल के सामने आया है जो कि वास्तव में ही देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता था। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सतीश आपका। तो आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा तो आज हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी और कई खुलासे इस मामले में होने हैं।